सड़क पर जलती मोमबत्तियों की ये लौ बता रही है कि ऐसी ही आग में जल रही हैं बेटियां। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये देश उबल रहा है। गुस्से से भरा दिल बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब इस देश की बेटियों को सुरक्षा का पूरा हक मिलेगा। साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद एक बार फिर लोग सड़कों पर हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश और दर्द के साथ साथ देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी हैं। लेकिन सिर्फ निर्भया और हैदराबाद की बेटी ही नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिस रोज हैदराबाद की बेटी के साथ हैवानियत का खेल खेला गया, उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के नरेला इलाके में भी 9 साल की एक मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। दरअसल महज 9 साल की ये मासूम नरेला इलाके के एक पार्क में खेल रही थी, तभी एक हैवान की नजर इस बच्ची पर पड़ी और उसने उसे अपनी बातों में फंसाया, अपने साथ चलने के लिए कहा। जाहिर है 9 साल की मासूम को क्या पता था कि जिसके साथ वो जा रही है वो दरअसल इंसान की शक्ल में भेड़िया है। आरोप है कि बच्ची के जिस्म को नोचने के बाद ये दरिंदा उसे जख्मी हालत में मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। बच्ची के घर वालों के मुताबिक बच्ची को जब होश आया तो वो किसी तरह से अपने घर वालों के पास पहुंची। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मेरी बेटी पार्क में खेल रही थी, वहाँ से एक इंसान ने उठा लिया, उसके बाद में उसे ले गया वो। कहाँ लेके गए? ये तो हमें नहीं पता, राजा हरिचंद्र के सामने हमें मिली थी। फिर और उसके बाद में गले में उसके फांसी का फंदा था लगा हुआ, और उसके काफी चोटें निशान भी हैं, ये उसके जिस्म पर निशान थे। और पुलिस वालों से हमने कही, उनने कोई देखभाल जो करी सो करी, आज तक अभी तक पकड़ा नहीं गया। शुरुआत में बच्ची को नरेला के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए अम्बेडकर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 6:30 बजे हॉस्पिटल के सामने जो गाड़ियाँ हो रखी हैं वहाँ पर उसे जिसने फेंक दिया हुआ, तो पुलिस के साथ आई थी बच्ची, और उसको हमें आते ही सस्पेक्ट लगा कि भाई इसका फिजिकल असाल्ट भी हुआ है और रेप का भी सस्पेक्ट लगा। तुरंत हमने उसे गैरी वार्ड शिफ्ट किया, फिर लेडी डॉक्टर ने उसकी एमरजेंसी बना दी, उसे ट्रीट का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए BSA रेफर किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साल 2012 के बाद तमाम दावे किए गए, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी भारत में हर रोज 106 निर्भया हमारे सामने होती हैं। साल की बात करें तो करीब 40,000 निर्भया हर साल भारत के कोने कोने में अपनी लुटी हुई असमत के साथ सिसकती हैं, चीखती हैं।